भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्खियों में बन गए। जी हां, इस महान कप्तान को देखने का इंतजार बीते कई महीनों से जनता और क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। धोनी बीते साल दरअसल इंग्लैंड में हुए विश्व कप के बाद से मैदान में नजर नहीं आए हैं। क्रिकेट से दूर चल रहे माही ने अब इंडियन प्रीमियर लीग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आप बिल्कुल सही खबर सुन रहे हैं। धोनी मंगलवार को रांची के अपने होम ग्राउंड झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि JSCA स्टेडियम पहुंचे और घंटों अभ्यास किया। महेंद्र सिंह धोनी IPL से पहले होम ग्राउंड में पसीना बहाते दिखे। बता दें कि IPL की शुरुआत 29 मार्च से होनी है। फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम से दूर चल रहे धोनी के लिए इस बार के IPL में कई मायनों में खास भी माना जा रहा है। धोनी के लिए IPL को एक तरह से अपने आलोचकों को जवाब देने और खुद को साबित करने का एक अच्छा मंच माना जा रहा है। बता दें कि पूर्व कप्तान धोनी जब भी अपने गृह शहर रांची में रहते हैं तो JSCA स्टेडियम में वो जरूर जाते हैं और घंटों प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल धोनी रांची में ही हैं और वो अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। काफी समय से मैदान में वो नजर नहीं आए और धोनी को लोगों ने ना देखकर काफी ज्यादा हैरानी जताई। बता दें कि धोनी को साल की शुरुआत यानी कि 16 जनवरी में ही BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन धोनी ने अपने भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच रांची में अपने घरेलू टीम झारखंड के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था। इस तरह से उन्होंने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खुद को तैयार रखने के संकेत भी दिए थे। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की IPL तैयारी से ही उनके वर्ल्ड कप का टिकट पक्का होगा, ये बात हर कोई जानता है। अब माही किस अंदाज में वापसी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।